प्रकार के इंजन में चलेगी। तो जो लाइट इन वेट होते हैं, लाइट इंजन होते हैं जिसमें हीट अमाउंट ऑफ एनर्जी कम होती है, उन इंजन के केस पे हम ये यूज करते हैं। बट जो हैवी इंजन होते हैं, उन हैवी इंजन के केस में वी आर यूजिंग द वाटर कूलिंग। वाटर वाटर कूलिंग। कूलिंग क्या होती है? वाटर कूलिंग में ये रहता है कि जो आप लोगों का सिलेंडर रहता है, तो सिलेंडर आपका इस प्रकार से होगा ना, एक वॉल होगी, सिलेंडर वॉल समझ गए ना, जैसे ईंट की एक दीवार है आपकी, तो इसी प्रकार की दीवार टाइप ही क्या रहेगी, पूरी वॉल रहेगी और इसके अंदर पिस्टन यहाँ पे फ्लो होगा, क्लियर है ना। तो हम क्या करते हैं, जो वॉल होती है वॉल के बीच में पोरस होल कर देते हैं, समझ गए अपना, तो उसको हम बोलते हैं वाटर जैकेट्स। क्या बोलते हैं? वाटर जैकेट्स। आप लोग जैकेट पहनते हो ना, यस सर, यस सर। आप लोग जो जैकेट पहनते हो, तो वो जैकेट किस प्रकार की रहती है? आपकी बॉडी के शेप के हिसाब से वो पूरी एक आउटर लेयर ले लेती है। तो यस सर, यस सर। सेम एज इट इज हम क्या करेंगे, जो हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट रहेगा उसके आउटर में हम पोरस क्या कर देंगे, एक पूरी लेयर बना देंगे, अंदर होलो यस सर। रहेगी। अब वो होलो लेयर क्या होगी, एक मतलब साइड वाटर से ठंडा सर्कुलेट हो पानी, जाएगा सर। बिल्कुल, तो एक साइड से ठंडा पानी जाएगा। अब वो ठंडा पानी किसके कांटेक्ट में आया है, पिस्टन वॉल के कांटेक्ट में। गरम वो ठंडा पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गर्म पानी गरम में, ठीक पानी में। है ना, बिल्कुल। तो उससे क्या हुई, पूरी की पूरी पिस्टन की हीट किसके पास चली गई, ठंडे पानी से, ठंडे पानी ने गर्म को दे दिया। अब क्या किया हमने, हमने गाड़ी में लगाया हुआ रेडिएटर, नाम सुना रेडिएटर आपने, यस सर, हाँ। तो यस सर। ये रेडिएटर क्या करता है, उस गर्म पानी को ठंडा करता है, यस सर, समझ ओके गए सर, आप ओके लोग। सर, यस सर। तो जो ठंडा पानी है वो वाटर जैकेट में जाएगा, इंजन की हीट उस ठंडे पानी को मिलेगी, वाटर गर्म हो जाएगा। अब वो वाटर जो रहेगा वो जाएगा रेडिएटर में। रेडिएटर आपने देखा है, कंडेंसर होता है, उसके सामने लगा रहता है फैन। तो यस सर, बेसिकली वो फैन क्या करेगा, उस गर्म पानी को किसमें कन्वर्ट, सर आप म्यूट आपने हो म्यूट चुके कर हैं। लिया अपने आप को। बस आशुतोष, बस इतना नहीं, हेलो, और आवाज कुछ आ रही है? आवाज नहीं आ आवाज रही। आ रही है? आज तो हेलो, इतना नहीं। हाँ आवाज आ रही है? हेलो, बोलो। अरे किसमें, माइक अरे टेस्टिंग। सर, आ रहे आ मैं रहे। हेलो म्यूट किया हुआ अपने आप को, रुक जा 2 मिनट। हेलो हेलो, यस सर, जी बोलिए। सर। तो तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरा कंडेंसर है, आई यहाँ पे मेरा जो कंडेंसर है जिसको मैं बोलूंगा रेडिएटर, ये रेडिएटर क्या करेगा, उस गर्म पानी को ठंडा करेगा और ठंडा पानी फिर वापस सर्कुलेट होगा, यस यस सर, सर। आप लोगों को याद होगा कि जब पुराने समय में बसें चलती थी, मतलब आप लोग छोटे होंगे उस समय, तो आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने समय में बसें चलती थी, तो वो बस जो ड्राइवर होता है वो 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर पर अपनी गाड़ी रोकता था, माइंड रेडिएटर का पानी पानी, मारता था। रेडिएटर में पानी मारता था, 4-5 बाल्टी कंडेंसर में पानी मारता था, मतलब गाड़ी ठंडा करता था, ऐसा था कि मैंने नहीं था? ट्रैक्टर्स बिल्कुल में देखा है, पुराने सर पुराने ट्रैक्टर्स में देखा है। बिल्कुल। और आज के समय की आप गाड़ियां देखो, आप चार्टेड बस में बैठ गए हो, यहाँ से चालू करो और रीवा पहुंचो, आप 700 किलोमीटर, यहाँ से 600 किलोमीटर, गाड़ी बीच में सर रुकती तक नहीं वो है कहीं। वो ऑयल कूल्ड है ना सर, तो आशुतोष चलो की ठीक है, गाड़ी में अभी भी वो डालना पड़ता है। सुनो, चलो ठीक है, वो इंजन तो सुनो, वो यस इंजन जो है, हेलो मिश्रा जी, वो इंजन तो चलो ठीक है, ऑयल कूल्ड है, ऑयल कूल्ड है, बट वाटर के केस में, जैसे मैं आपकी बात करूं, ऑल्टो 800 आपकी हो गई, ऑल्टो 1000 हो गई, वो तो ऑयल कूल्ड नहीं है, वाटर कूल्ड है। सर, ए सर पानी डालना पड़ता है उसमें। नहीं, पानी तो डालना पड़ता है, मगर इतना पानी चेंज नहीं करना पड़ता अब हमको। हाँ सर, इसका रीजन बताएगा कोई क्या? इसका जो तो रीजन सर बताएगा वहां सर, रेडिएटर लगा हुआ है सर, 5000। रेडिएटर उसको बार बार ठंडा करता रहता है, नहीं वही वाटर वही नहीं नहीं यूज नहीं होता नहीं रहता है। पानी एवोपरेट तो होता है ना कहीं, क्योंकि भले यस कितने सर, भी आप उसको पैकिंग कर दो, कितना भी उसको क्लोज कर दो, बट कहीं ना यस कहीं तो सर, वाटर लीक होता है। यस सर, यस सर। सही जवाब जो देगा उसको ऑनलाइन टॉफी सेंड करूंगा मैं। अरे तो सर तो देना ही नहीं है। एडवांस टेक्नोलॉजी हाँ चलो, ऑनलाइन उसका पैसे सेंड कर कौन, दिए, निकाल लेंगे निकाल के। क्या बात है, दे एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम कूलेंट ऐड करते हैं। नाम सुना है किसी ने कूलेंट का? यस सर, सर। कूलेंट, ये कूलेंट क्या होता है, बेसिकली एडिटिव्स होते हैं, हम पानी के अंदर इनको ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होता है, जो पानी रहता है उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। जी सर, हम अब जैसे इनक्रीज मैं कर बात देंगे करूं, होंगे। हाँ, बट ये बताओ कि कुछ ऐसे प्लेस हैं जहां पे
हमेशा कूल रहता है। जैसे मैं बात करूं आपसे आर्कटिक की या फिर स्विट्जरलैंड की, जहां पे टेम्परेचर हमेशा डाउन रहता है 15 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, वहां पे फिर कूलेंट तो